नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया से राजकुमार सिंह की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। कुंभकर्ण उर्फ गंगा सागर वर्मा ने जिलाधिकारी को आत्मदाह करने की दी चेतावनी। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर क्या कुछ कहना है गंगा सागर वर्मा का, आइए सुनते हैं। मेरा नाम गंगा सागर वर्मा पड़ता है। मैं ग्राम सिजौली का रहने वाला हूँ, थाना कोतवाली, तहसील बास्ती। क्या मामला है? मामला मेरा जमीन मीटर का ऐसा है कि मैंने 14 साल दीवानी लड़ा, उसके बाद 3 साल पथल नसल लड़ा। पथल नसल में अरपुआ गर्व माननीय उप जिलाधिकारी दो दो बार मौके आकर मौके का निरीक्षण की और कोर्ट में विपक्षी शैलेंद्र सिंह से सहमति पत्र लिखवाई। शैलेंद्र सिंह ने सहमति पत्र लिखा कि मैं इस पथल नशा से संतुष्ट हूँ, मेरा रकबा पूरा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके उपरांत सारा कार्रवाई के बाद दिनांक 10/8/2019 को मेरा पथल नशल हुआ। विजय शंकर पांडे, राजेश निरीक्षक, सुनील लेखपाल और योगेंद्र नेपाल और एसआई अजय यादव, सारे पुलिस टीम के मौजूदगी में, पत्रकार के मौजूदगी में, गांव वासियों के मौजूदगी में मेरा पत्थर गाड़ा गया दोनों पक्ष की सहमति से। और वहां पर सहमति पत्र वो राजेश निरीक्षक ने हमसे और विपक्षी शैलेंद्र सिंह से सहमति पत्र लिखवाएं और उस पर लिखा गया कि हम लोग संतुष्ट हैं इस पत्थर गाड़ने से। सारे गांव के गवाहों के समक्ष गवाह लोग भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद मैंने जिला अधिकारी को 14 अगस्त को सूचना दिया, प्रार्थना पत्र दिया कि सर मैं 15 अगस्त को अपना निर्माण कार्य शुरू कराऊंगा, मेरा उस दिन का मुहूर्त है। और इस थे एसपी बलिया को मैंने रजिस्ट्री द्वारा अवगत कराया और 15 अगस्त को मैंने अपना निर्माण कार्य शुरू किया और हमारा निर्माण करीब 24 तारीख तक चला। हमारे निर्माण 4 फीट जमीन के नीचे, जमीन से ऊपर 4 फीट कुर्सी, कुर्सी के ऊपर 8 फीट दीवार चल चुकी है, यानी 16 फीट जमीन से हमारा निर्माण कार्य शुरू यानी चल चुका है। और उसके बावजूद शैलेंद्र सिंह तरह तरह के हथकंडे और बाड़ी एसओ के अपने प्रभाव में कर हमारा निर्माण का रुकवा दिए और हमारा सारा माल मटेरिया जो कुछ हुआ बरसात में बह गया, 3 लाख का हमारा क्षत हुआ है। और उन्होंने दिनांक 12/10/19 को थाने में बुलवाकर कोतवाल साहब और शैलेंद्र सिंह के साथ 10 लोग बदमाश लोग थे और उनके प्रभाव में पड़कर 162 ने हमसे जबरन हस्ताक्षर करवाएं और यह भी कहें कि अगर हस्ताक्षर नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे और तुम्हारे सारे परिवार को तरह तरह के दफा लगाएंगे। कौन कहा? 162। क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर कर दो नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसकी शिकायत आपने की? उसकी शिकायत मैं जिलाधिकारी को किया, प्रधानमंत्री को किया, मुख्यमंत्री को किया, महानिदेशक लखनऊ को किया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक। आप क्या आज जिलाधिकारी क्यों आ पाए हैं? आज हम जिलाधिकारी के आए हैं आत्मदाह के लिए। मैंने कहा कि सर मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है सारे कागजात के बावजूद, तो मैंने आत्मदाह दिनांक 18 सुबह करीब 10 बजे आत्मदाह करूंगा। जी आप पत्र में लिखे हैं तो आपसे पैसे की डिमांड किया गया था, कौन किया था? पैसे का डिमांड ये सौ बाढ़ी एच ओ जो हैं वो जो 12 तारीख को हमसे हस्ताक्षर कराए हैं उससे पहले उन्होंने 70,000 रुपया का हमसे डिमांड किया था कि 70,000 रुपया दोगे तो तुम्हारा निर्माण कार्य चालू करा देंगे। मैंने कहा कि हम उसको सक्षम नहीं है देने के लिए,
उसके बाद राजस्व निरीक्षक चांदगोई अक्षय पर पांडे ने 50,000 रुपया का डिमांड किया कि मैं तुम्हारा छत डलवा दूंगा, 50,000 रुपया हमको दे दो, जबकि वो 27,000 रुपया हमसे ठग चुके हैं पहले। ये फरमाइश पत्थर गाड़ने के अवधि में, जबकि उन्होंने सरासर स्टेडियम की है बयान गलत दे दिया। उसके बाद विजय शंकर को चार्ज मिला, विजय शंकर पांडे ने सारा कार्रवाई। उसके बाद क्या और कोई किसने मांगा आपसे? उसके बाद ये शैलेंद्र सिंह जो कि 12 तारीख को हमसे सहमति सुलानामा थाने में लिखवाए हैं, उसके पहले उन्होंने 1,00,000 रुपये का डिमांड किया कि 1,00,000 रुपया हमको जमींदारी ये कहा जाता है जी, तो आप उन्होंने मांगा तो शिकायत आपने कहीं की आपने? मैंने आज क्षुद्र होकर डीएम महोदय डीएम साहब के सारा कागजात लिखित के साथ दे दिया हूँ, जबकि हमको आत्मदाही करना है तो मैं सारे जो बात है उसको। तो डीएम साहब ने क्या बोले आपसे? डीएम साहब ने बोले हैं कि मैं इस डीएम साहब को बाढ़ी लिख रहा हूँ और आप जाकर तुरंत उनसे मिलिए बाइंड हाथ और तुम्हारा सिर कार्रवाई शुरू होगी। संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट अभी नहीं हैं, जब तक हमारा निर्माण कार्य पूरा ना हो जाए तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ।